गढ़ लिया गया कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस एंटी हिंदू है या राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनके झूठ को फ्लैश कर देता हूं। ये कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं, तो मैं हिंदू आदमी और कट्टर हिंदू आदमी हूं। मेरे को गर्व है मेरे कांग्रेसी होने का और उतना ही गर्व मेरे हिंदू होने का, और ये दोनों गर्व के लिए किसी बीजेपी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक कट्टर सनातनी हिंदू खड़ा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जिस प्रकार ये लोग कहते हैं, अभी एक भाई कह रहे थे जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे, आप अपना ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय को, एज एन एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूं। शायद आप ज्ञान, आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन शायद आप उसको कहना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, और अगर आपकी प्रायोरिटी में राम भगवान होते ना, मेरे आराध्य, सुन लीजिए, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम होते, तो आप बीजेपी वाले 7-स्टार कार्यालय पहले दिल्ली में नहीं बनाते। मेरे राम रह रहे थे टाट में और ये रह रहे थे ठाट में, और राम की बात करते हैं, और राम जी के जिस प्रकार से मैं आपको कह दूं, एक मिनट, ये गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैडम, मैं जवाब देना चाहता हूँ, और जिस प्रकार से समझे, सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भगवान राम को काल्पनिक, पहली बात, राम सृष्टि का आधार है, हम कोई नहीं होते राम को लाने वाले, रुक जाइए, सुनिए। अब ये कहते हैं कि अभी अभी भाई साहब ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस राज किया है, क्या ला के दिया, और जबकि बीजेपी आई है राम मंदिर खड़ा करके दिखाया है, सर्टिफिकेट दिया बीजेपी ने। मैं बोलता हूँ तो भगवान राम को काल्पनिक बोला था, यही क्या बोलेंगे ये लोग, कांग्रेस ने काल्पनिक कहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं, जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, यही तो दिक्कत है बीजेपी वालों की, जवाब सुनते नहीं है। मैंने कहा ना कि आप अगर कंटेंट में जाते, इन्हें अगर पता होता तो ये इस टाइप की बात नहीं करते। और आप बताइए, भगवान को कोई ला सकता है? भगवान को कोई ला सकता है? मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान को कोई ला सकता है? भगवान को भगवान लाएंगे कि ये लाएंगे, ये बताइए आप। ये इनके पास मुद्दे नहीं होते, ये महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, और ये क्या कहते हैं, देखिए, ये आप इनसे बात करिए, महंगाई पे नहीं करेंगे, रुक जाइए, रोजगार पे बात करिए, नहीं करेंगे। जोड़ने वाला बड़ा था, मैं देखो, मेरा एज 28 साल है, मेरा नाम दिलीप सर, मैं देखो, मेरे 20 साल बड़ी तुमसे, शांत हो जाओ जी। जय श्री राम। मैडम, बहुत होगी देश में बंटवारे की बात, एक मुद्दे की बात करते हैं। एक प्रज्वल रेवन्ना नाम के व्यक्ति हैं, जो कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के वो सांसद के अभी प्रत्याशी हैं कर्नाटका के, उनने लगभग 200 महिलाओं के साथ रेप किया और उनके 3000 वीडियो बनाए, और उनको प्रधानमंत्री खड़े होकर स्टेज में कहते हैं कि ये व्यक्ति को जिताना है, और जिस दिन चुनाव हुआ है उसके अगले दिन वो जर्मनी भाग गए वो आदमी। ये सवाल है, सवाल आज देश में महिलाओं की सुरक्षा का है, जिस महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं। दूसरा सवाल है, जिस कोविशील्ड से, जिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 50 करोड़ रुपए भाजपा के लोगों ने चंदा लिया, और वो आज इंग्लैंड के कोर्ट से साबित हुआ है कि उससे हार्ट अटैक आता है, उसकी दो दो वैक्सीन लगी है पूरे भारत में लोगों को, उस चीज का इनको ज्ञान नहीं आता। और अभी मेरे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने एक काम किया है, बहुत अच्छा काम, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये बोलने नहीं देंगे, इनके पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस ने काम ये किया है कि इन सबको जो वैक्सीन लगाई है उसके कारण ये आड़े तिरछे पैदा नहीं हुए, सीधे सीधे पैदा हुए हैं। कांग्रेस ने एम्स बनाया है, ये काम किया है कांग्रेस, ठीक है। जय श्री राम। खड़े जाओ। माइक यहाँ है ना, आवाज नहीं जाएगी। जय श्री राम। इसके आगे भी बोलो। मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है जो लगभग 70 साल राज करने के बाद भी उसका आराध्य देव श्री राम से दिखाई। अरे आगे बढ़ो उससे, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने एम्स दिया, बताओ कांग्रेस ने क्या दिया, क्या सब देख रहे हैं, दुनिया देख रहा है, 10 साल में क्या दिया बीजेपी ने कांग्रेस ने, 70 साल में क्या देख रहे, यहाँ क्या दिया बीजेपी ने, 55 साल रहे अभी। अरे भैया, कांग्रेस को हम देख रहे हैं, क्या दिया बीजेपी, ये सनातन का देश है, और मोदी जी के साथ क्या करते हो, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, कार्ड डिटेनिंग काम करता हूँ जी। ब्रजमोहन अग्रवाल क्या कर रहे हैं? बीजेपी अग्रवाल क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और जो राम को लाए हम उनको लेके लाएंगे। नहीं, रट कर आए थे क्या? सनातन धर्म की जय ही होगा, धर्म का नाश होगा, चाहे वो कांग्रेस ही है जो नाश करता है। बैठ जाओ। आज तक जो काम मोदी ने किया है वो बीजेपी बहुत ज्यादा काम किए हैं, जैसे कि मेरा पर्सनल कहना नहीं है, पूरे भारतवर्ष से आप, हम तो वही काम पूछ रहे हैं।
आज यहाँ तक नहीं, पूरे देश विदेश तक चर्चा होती है मोदी की, जो कि बीजेपी का जितना चर्चा हो रहा है। काम गिनवाइए महाराज, काम बहुत सारे किए हैं मोदी जी ने, जो जो काम मोदी जी कर दिए हैं। अभी कितने बम, कई सारे बम बना दिए हैं मोदी जी ने, अभी बम बना दिए हैं, ठीक है बम बना दिए मोदी जी ने, वो कह रहे हैं। हाँ, यहाँ कौन चिल्ला रहा था बताओ जी मैडम? एक ही चेहरा बार बार नहीं आएगा, कुछ कहना तो बताइए। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आप नहीं, सेम फेस बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना। किस टॉपिक पे बताना बोलना है, बोलिए। सुन ही रहे हैं आप सब कुछ जी। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ज्वलंत मुद्दों पे बात, अब मोदी जी के काम पे आ जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, हुई क्या? इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इस देश पे जो सरकार है वो ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती, क्यों घबराती है? महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, कहाँ स्मार्ट सिटी? कहते थे ना 56 इंच की छाती है, 2-4 सौ रुपए में सिलेंडर, क्यों नहीं कहता कोई बीजेपी का कार्यकर्ता? है 56 इंच की छाती तो करो महंगाई कम, है 56 इंच की छाती। और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरे साथी लोग, कौन गया था प्रधानमंत्री जी, कौन सा देश का प्रधानमंत्री बिना बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान गया था? बताइए कौन गया था? तो ये देखिए, जिस प्रकार से, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इतनी कथनी और करनी में फर्क है मैडम। और कहते हैं ना, गलती इनकी नहीं है, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहाँ इस दौर में। आप पहले उनसे सुन लीजिए मैडम, मुझको लगता है ज्यादा बेहतर होगा। माइक आपके आगे लगा, बोलिए। कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। नादान कौन है सर? कांग्रेस। सुन रानी जी कह रहे, ठीक है यार, बहुत लोग बोलने वाले, मैं क्या करूंगा। देखिए, नादान जहाँ तक है राहुल गांधी की नादानी पूरे देश की जनता ने देखी, नादानी कांग्रेस पार्टी की देखिए, खड़गे जी के जो बयान आते हैं उससे नादानी झलकती है, झलकती है प्रियंका जी के बयान में, सोनिया जी के बयान में। है क्या इनके पास, आप बताइए? छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 5 साल इनकी सरकार रही है, यहाँ का एटीएम बन के काम किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, दिल्ली की कांग्रेस के लिए, देश भर की कांग्रेस का एटीएम बन के भूपेश बघेल ने काम किया, इसीलिए भूपेश बघेल को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रखा गया था, लेकिन पूरा 5 साल इसीलिए रहने दिया क्योंकि यहाँ से बोरे बोरे भर भर के नोट गए, यहाँ से शराब के घोटाले का पैसा, चाहे कोयले के घोटाले का पैसा, ये घोटालों की सरकार, यहीं से तो पहचान बनी घोटालों की कांग्रेस की, जो प्रवृत्ति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की रही है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की नदियां बही है, इतना पैसा यहाँ से बटोर के ले गए सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी को सपोर्ट करने का काम किया। एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, ब्रिजमोहन जी की बात तो छोड़िए, इनका छत्तीसगढ़ में एक कैंडिडेट जीतना नहीं है, ब्रिजमोहन जी तो सर्वाधिक वोट से जीतेंगे। ये विकास उपाध्याय का नाम विकास है, काम विनाशकारी है, 42,000 वोट से विधानसभा का चुनाव हारे 3 महीना पहले, और वो जीतने की बात करते हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खुलवाया, ये कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, ये बात करते हैं, राम मंदिर के लोकार्पण के समय में इनको निमंत्रण आता है, इनके नेता जाते नहीं है, बल्कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है, राम को काल्पनिक बताने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, और बात करते हैं प्रभु राम की, ये प्रभु राम के प्रति इनकी आस्था नहीं है, ये विनाशकारी लोग हैं, विनाशकारी लोग कभी राम को नहीं याद कर सकते। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ज्वलन मुद्दों पे बात नहीं करते, मंगलसूत्र की बात किसने की? महंगाई पे बात नहीं करते लेकिन मंगलसूत्र पे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो योजनाएं लाई हैं, चाहे युवाओं की ये बात करते, इनके घोषणा पत्र आया मैडम, चार मैं इनका उठा देता हूं, बिंदु जिसको प्रमुख स्तंभ बनाया है, इन्होंने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार शायद 10 साल पहले भी देने वाले थे, 20 करोड़ लोगों को देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार खा गए, मतलब फेल हो गए। ये गरीबी की दूसरा पॉइंट है, गरीबी, मैंने कहा ना इनका एक ही काम है, अमीरों से खींचो, गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो, और जिस प्रकार से गरीबी, गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ इनके कार्यकाल में, मतलब उसमें भी फेल हो गए। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा है महिला, इन्होंने अपने के कंटेंट में लिखा है, एक शर्त में लिखा है कि हम अपने खिलाड़ी बहनों को प्रोडक्शन देंगे। कहाँ थे मैडम उस दिन जब हमारी मात्र शक्तियों को घसीटा जा रहा था इनके एक सांसद द्वारा, और पूरी पार्टी सांसदों के साथ खड़ी थी, मतलब एक मिनट भैया एक मिनट, जिस प्रकार से मैडम देखिए, चौथा मुद्दा जिस प्रकार से महंगाई, मैंने कहा ना महंगाई पे बात करते नहीं है। और रही बात, आपको मैं बता दूं, हम ये जो योजना ला रहे हैं 25 लाख तक लोगों को उसमें स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, और किसी भी 6 करोड़ लोगों को इस देश में इलाज के नाम पे गरीब जो रहते हैं
उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है, तो हमारी सरकार आने के बाद 25 लाख रुपए तक का इलाज उनको मुफ्त मिलेगा और हमारी किसी भी मातृ शक्ति को या किसी भी बहन को अपना मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि लगातार जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि नादानी, तो मुझे लगता है हम लोकतंत्र के द्वार में खड़े हैं। जनता जनार्दन होती है और लोकतंत्र में आप जनता दो फेस में इनको बता दिए, पहले 102 सीट, फिर 88 सीट और अब 92 सीट में इनको जनता ने बता दिया है। और जिस प्रकार की शैली इनकी आ रही है, इनके वक्तव्य आ रहे हैं, जहरीली बोली बोली जा रही है, इनको खुद समझ में आ गया मैडम इस बार 400 का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, या महिलाओं की बात आपने यहाँ पर करी, जरा मैं यहाँ पर आना चाहूंगी।